हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको ये बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बताने वाले हैं। ये देखने में जितना प्यारा है, बनाने में भी उतना ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रोशे का बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपने फ्रेंड्स 7 चैन बुननी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए 7 चैन बुन लिए। फिर 1, 2, 3, ये 3 अलग है, इससे हम 3 के बाद, देखिए 1, 2, 3, 3 के बाद यहाँ से डबल क्रोशे से हम बुनेंगे इस तरह। 2 हो गए क्योंकि एक चैन गिनेंगे, एक ये 2, ये 3, चार, पांच, छः, सात और ये 8। देखिए फ्रेंड्स, हम 8 रखेंगे इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और देखिए फिर इसे पलट देंगे। फिर फ्रेंड्स 1, 2, 3, 3 बना लिए। फिर अब हम इसमें देखिए 2, क्योंकि एक चैन है उसे भी गिनेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 और देखिए 8 रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 8 हो गई है ना, इस तरह से जैसे 1 और 2, इस तरह से हम इसकी एक लंबी पट्टी बनाएंगे। मैं इसको पट्टी बना के दिखाती हूँ कि हमें कितनी बड़ी पट्टी बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से ये पट्टी तैयार की है। मैंने सिर्फ सैंपल के लिए आपको दिखाने के लिए इतनी तैयार की है। आप अगर जितना बड़ा डिजाइन बनाना चाहती है, इस डिजाइन को बड़ा करती जाए, इस पट्टी को बड़ी बनाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने कितनी डाली है सैंपल के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 पे देखिएगा कितने आते हैं फूल। देखिए फिर इसके बाद आपने देखिए यहाँ तक आ गया फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए समझ लीजिए हमारी फर्स्ट रो तैयार हो गई है। अब हम सेकंड रो स्टार्ट करते हैं। देखिए 1, 2, 3, ये 3 ले लिए, 1 बल, और ये देखिए इसमें यहां से हमने डबल क्रोशे से बुनना है, 2, 3, देखिए 3 के बाद यहां बुन दीजिए 4 और ये 5। देखिए चैन लगाकर तो 6 हो गए हैं, 2, 4, 5 और 1, ये 6 हो गए फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए आप लीजिए एक एक चैन बुनिए, फिर इसके बाद देखिए ऐसे लीजिए इसे छोड़ के यहां से, ये देखिए यहां से आपने एक पफ स्टिच डालना है इतना बड़ा, ये ले लीजिए इतना बड़ा साइज। 1 तो हो गया, ये 2 हो गए, 3 हो गए, 4 और ये 5, देखिए 5 हो गए हैं। फिर आपने इस तरह देखिए हमने एक पफ स्टिच डाल लिया। अब देखिए हम 4 चैन बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद देखिए फिर एक बल, फिर इसी के अंदर दोबारा से फिर एक पफ स्टिच बनाएंगे, जितना बड़ा ये लिया था इतना बड़ा ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद फिर देखिए
चार चैन एक दो तीन और ये चार, चार के बाद देखिए फिर दोबारा से हम इसके अंदर एक बार और, यानी एक में हमने तीन बार पफ स्टिच बनाना है। देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच हो गए ये देखिए इस तरह से। फिर देखिए फ्रेंड्स इस तरह आ गया। अब आपने क्या करना है, एक चैन बनानी है और देखिए इसे छोड़ के यहाँ ये है ना, यहाँ आपने एक बल लेके यहाँ एक, फिर देखिए एक चैन, फिर डबल क्रोशे से इसके अंदर बुन दीजिए देखिए इस तरह, फिर एक चैन इसे छोड़ के यहाँ, फिर एक चैन, फिर एक चैन और देखिए फ्रेंड्स इसे छोड़ के यहाँ इसके अंदर आपने जैसे हमने ये बनाया था इसी तरह यहाँ पर आएगा ये देखिए यहाँ दो तीन चार पांच। फ्रेंड्स आप चाहें तो छह भी कर सकते हैं ज्यादा घना बनाना चाहती हैं तो, लेकिन हमें पांच डाले हमने, एक दो तीन चार, चार चैन। फिर देखिए इसी में दोबारा से दो तीन चार पांच, पांच के बाद देखिए अब इसके बाद देखिए चार चैन, एक दो तीन और ये चार, चार के बाद देखिए एक, चार के बाद दोबारा से इसी में फिर से पफ स्टिच डालेंगे इसी के बराबर, एक दो तीन चार पांच, ये पांच हो गए हैं देखिए, एक एक ले लिया, एक एक चैन बुनिए। फिर देखिए आपने देखिए ये छोड़ के यहां से एक दो तीन चार पांच, पांच हो गए फ्रेंड्स देखिए यहाँ भी पांच थे, दो चार पांच और एक चैन थी। अब देखिए ये हमारी सेकंड रो भी समझ लीजिए कंप्लीट हो गई। अब देखिए थर्ड रो इसे पलटेंगे, थर्ड रो में क्या करेंगे देखिए, एक चैन इस तरह तीन बार और ये देखिए एक दो तीन चार पांच आ जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, एक दो तीन चार पांच, ये देखिए देखिए हमने जैसे नीचे बुना था ऐसे यहाँ बुन लिया फ्रेंड्स। अब देखिए आपने एक चैन बुननी है और इसके बाद देखिए एक बल लीजिए और ये देखिए ये जो है ना, ये हमने चार चैन डाली थी इसके अंदर हमें डबल क्रोशे से बुनना है। देखिए एक दो तीन चार पांच छः, छः बुन ली फ्रेंड्स, छः के बाद देखिए एक चैन और फिर इसके बाद देखिए इसमें भी छः, छः बार बुनना है, एक दो तीन, तीन के बाद ये चार, ये पांच और ये छः, देखिए छः हो गई फ्रेंड्स। देखिए फिर एक चैन, फिर एक बल और ये देखिए जो है ना इसके अंदर भी हम बुनेंगे,
डबल क्रोशे से एक, फिर देखिए एक चैन, फिर इसी में दोबारा बुनेंगे डबल क्रोशे से दो, फिर देखिए एक चैन, फिर अब हम इसमें बुनेंगे ये देखिए एक एक चैन, फिर इसमें बुनेंगे देखिए दो, फिर देखिए एक चैन, फिर देखिए इसके अंदर हम 6 बार बुनेंगे, एक देखिए दो तीन चार पांच और ये 6 और एक चैन, फिर देखिए इसमें भी 6 बार बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच और ये 6 के बाद देखिए एक चैन, दो तीन चार पांच। देखिए फ्रेंड्स इस तरह समझ लीजिए मेरी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फोर्थ कैसे बुनेंगे। लिया से पलट दिया फ्रेंड्स, नहीं आवाज आई। देखिए फ्रेंड्स यहाँ बुन लिया था, अब हमने इसमें 3 चैन बुन ली है और पलट लिया। पलट के बुनेंगे, एक बल डालेंगे और ये देखिए देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 ये तो किनारे चल रहे हैं, ये 5 हो गए। फिर आपने क्या करना है देखिए एक चैन बुननी है, इसके बाद देखिए अब ये जो ये है ना फ्रेंड्स यहाँ हमने एक चैन डाली थी, यहाँ डालना है अब आपने पफ स्टिच। ये देखिए ऐसे ले लीजिए एक दो तीन चार और ये 5, 5 के बाद देखिए इस तरह से बिल्कुल जैसे नीचे करा था इसी तरह 1 2 3 4 फिर देखिए दोबारा से 1 2 3 4 और ये 5 इसके बाद देखिए फिर इस तरह फिर 4 चैन डाली 1 2 3 4 फिर देखिए एक बार और बनाएंगे थोड़ा बड़ा 1 2 3 4 और ये 5, 5 के बाद देखिए फिर इस तरह फिर इसके बाद एक चैन, चैन के बाद देखिए फ्रेंड्स ये जो है ना आपका ये जो 2 बन रहे थे बीच में इसमें बुनना है आपने डबल क्रोशे से एक बार, फिर एक चैन, फिर दोबारा से इसी में डालेंगे इस तरह, फिर एक चैन देखिए, फिर एक चैन, फिर देखिए एक चैन, फिर अब हम ये देखिए इसके बीच में ये जो जगह है जिसमें एक चैन थी इसमें बनाएंगे देखिए थोड़ा सा बड़ा फंदा ले लीजिए, इसको 5 बार बनाना है 1 2 3 4 और ये 5 फिर देखिए इस तरह 1 फिर 1 2 3 4 फिर देखिए एक बार ले लिया फिर इसमें 1 2 3 4 5 इसके बाद देखिए इस तरह से फिर देखिए इसमें 4 चैन डाल दीजिए 1 2 3 4 फिर देखिए इसमें दोबारा से बुनेंगे एक बड़ा सा फंदा 1 2 4 5 ये देखिए इस तरह, फिर एक चैन और ये देखिए इसमें 5 जैसे हम बुन रहे थे किनारों को ऐसे ही बुनेंगे 1 2
चार और ये पांच। बस फ्रेंड्स आपने देखिए डिजाइन तो तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स आपने यहां से ये पट्टी छोड़ के इन्हीं दो लाइनों को ऊपर रिपीट करना और आपका डिजाइन तैयार हो जाएगा। और अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगे क्रोशिया की तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.